हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो कमेंट्स के ऊपर है, जिन्होंने कमेंट्स किया उसका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स क्या करें, कौन फीस पे मैं वीडियो बनाऊँ या वीडियो नहीं बनाऊँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये खाना नहीं खा रही है तो क्या करे कि ये खाना खाए, पहला कमेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने रवाना फिश का खाना नहीं खा रही है, तो आपने इसे शायद लाइफ फूड दिया होगा, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई होगी अच्छे से, इसी कारण वो अभी फीड नहीं कर रही है। तो थोड़ा कुछ समय रुक जाए, शायद वो फीड करेगी। और नेक्स्ट कमेंट है, कौन सा फ्लावर हॉर्न अच्छा होता है सर, कम्फा या SRD? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि फ्लावर हॉर्न में सबसे बढ़िया अच्छा मुझको लगता है SRD, क्योंकि वो सुपर रेड ड्रैगन जो होता है बहुत सुंदर लगता है रेड कलर का, तो मैं बोलूँगा SRD बहुत अच्छा लगता है मुझे। और नेक्स्ट कमेंट है, मेरे अरवाना फिश एक्टिव नहीं है, मैंने कल बाय किया था, तो मेरी अरवाना फिश एक्टिव नहीं है। तो आपने कल बाय किया अरवाना फिश को, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी जो अरवाना है वो नए माहौल में आई है, ठीक है? दूसरे एक्वेरियम से नए एक्वेरियम में आई है, तो वहाँ माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी अरवाना जो है एक्टिव है या नहीं है। थोड़ा दिन आप जो है उसे अपने माहौल में उसको ढलने दें। और हाँ, और उस अगर आपके यहाँ हल्की ठंड है तो उसको 28 डिग्री सेल्सियस पे अपना हीटर ऑन कर दीजिए, और जो बुलबुला का मात्रा है, जो ऑक्सीजन का मात्रा है, उसे थोड़ा जो है बढ़ा दें, ठीक है भाई? नेक्स्ट कमेंट है, भाई आपके हीटर के राइट साइड जो पाइप जैसा है वो क्या है? तो मैं प्रिंस जी में बताना चाहूँगी, वो एक फिल्टर है, ठीक है? और मैं एक्वेरियम में इंडिया में पाए जाते हैं टाटा सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो सही है? तो मैं बोलना चाहूँगा टाटा सॉल्ट जो है वो नहीं यूज करें, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, अपने एक्वेरियम में नहीं डालें आयोडीन जैसा नमक। मैंने आपको बताया था सेंधा नमक, या जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, वो अपने एक्वेरियम में डालें, ठीक है? माई गोल्डफिश एबनॉर्मल स्विमिंग कर रहा है, हेल्प मी, कौन सा मेडिसिन यूज करें? तो मैंने आपको बताया था विश्वजीत शाह सर कि अपने एक्वेरियम को सबसे पहले, मतलब अपने फिश को सबसे अलग कंटेनर में रख दें, उसमें आप माला चिट नाम का एक मेडिसिन आता है वो एक ढक्कन डाल दें, और एक चम्मच जो है रॉक सॉल्ट डाल दें उसके अंदर, ठीक है, सेंधा नमक, और उसको कम से कम 1.5 घंटा के लिए उसको छोड़ दें, हल्का बुलबुला दे दें उस पानी में ऑक्सीजन, और उसको कम से कम 1.5 घंटा के लिए छोड़ दें, ठीक है? कौन सा सॉल्ट यूज़ करो इंडिया में पाया जाए, कुछ सॉल्ट का ब्रांड नेम बताएं? तो मैं बताना चाहूँगा एक्वेरियम सॉल्ट के लिए सबसे बेस्ट API कंपनी का आता है एप्सॉन, वो सॉल्ट अगर आप यूज करिएगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। फ्लावर ऑन फिश इंटरनल पैरासाइट मेडिसिन के बारे में कुछ बताएं? तो पैरासाइट मेडिसिन भाई अलग अलग मेडिसिन आता है, तो मैं जो मैं यूज़ किया हूँ अपने फ्लावर के लिए मैं बता दूँ, क्लियर करके एक लिक्विड आता है जो अपने फ्लावर को मुंह से पेट के अंदर जो अपने लिक्विड डाला जाता है रिंज की मदद से, इंजेक्शन की मदद से, तो वो मैंने लिक्विड यूज़ किया था अपने फ्लावर के लिए डिवॉर्मिंग करने के लिए। लास्ट कमेंट है, क्या हुआ, बाकी का वीडियो बनाना भूल गए क्या? क्या एक्सटर्नल फिल्टर की कॉस्टिंग कितने जाएगी इंडिया में इन एरिया? तो भाई मैं बता दूँ, एक्सटर्नल फिल्टर का कॉस्ट, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, बहुत कॉस्टली होता है। अगर मैं अपने एरिया का बात बताऊँ, कोलकाता का बात बताऊँ, तो मैं यहाँ 5,000 से 6,000 या 7,000 तक जो है फाइनली एक्सटर्नल फिल्टर मैं यहाँ सस्ता रेट है, क्योंकि कोलकाता में, तो मैं 7-8 हज़ार तक जो है एक्सटर्नल फिल्टर का कॉस्ट यहाँ पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कोई भी फिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अपनी फिश से या किसी से भी क्वेश्चन रिलेटेड हो, या आप मुझे बोले कोई फिश पे वीडियो बनाना है, तो मैं ज़रूर उस फिश पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।